ॐ गङ्गणपटाय नमो नमः श्री सिद्धिविनायकाय नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः श्री गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ना शास्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर आनंद पाइए। जय श्री राधे कृष्णा। सो हरि हरि बोल एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का श्रीमद भागवतम सप्ताह यज्ञ के सप्तम दिवस अंतिम दिवस पर स्वागत है। श्रीमद भागवतम की कथा जो है उसका श्रवण हम सब लोग कर रहे हैं। तो श्रीमद भागवतम की कथा जो है वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। जब सुखदेव गोस्वामी ये कथा परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं तो इस कथा को सूत गोस्वामी ने भी सुना और फिर वहां से सूत गोस्वामी चले गए नैमिषारण्य में। यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि शौनक आदि ऋषि मुनि जो है वो यज्ञ कर रहे हैं। जब वो वहां पहुंचे तो शौनक आदि ऋषि मुनियों ने उनसे कुछ प्रश्न किए और जिनके उत्तर में जो है वो सूत गोस्वामी श्रीमद भागवतम की कथा जो है वो उसका श्रवण करवा रहे हैं। तो उस कड़ी में हमने लास्ट सत्संग में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए और बहुत ही सुंदर सुखदेव गोस्वामी ने, सूत गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया और उस रस में हम डूब गए। भगवान धरती पर आए, बहुत सारी लीलाएं उन्होंने की और अब भगवान के वापस जाने का समय है। भगवान चाहते हैं कि अपने साथ वो यदुवंश को भी साथ लेके जाए। उसका बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो ये है कि भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे। बाहर उतर गया, देखिए हम लोग कपड़े धोते हैं ना तो कपड़े गंदे होते हैं तो हमें मैल निकालनी होती है तो हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन से कपड़े धोते हैं, फिर साबुन को कपड़े पे रहने नहीं देते हैं, साबुन भी निकाल देते हैं। उसी तरह से भगवान देवताओं को, नित्य सिद्ध पार्षदों को साथ लेके आए, पृथ्वी का भार उतारा और अब भगवान चाहते हैं कि ये उनके साथ ही वापिस चले जाए। और देखिए बहुत सारे रीजन है भगवान देवताओं को वापिस भेजना चाहते हैं, क्योंकि भगवान राम जब इस धरती से गए थे तो सारे के सारे भक्तगण उनके साथ गए थे गोलोक धाम, मतलब साकेत धाम। तो भगवान जो है वो देवताओं को गोलोक धाम तो नहीं लेके जाएंगे, तो वो देवताओं को उनके पोजीशन पर वापस भेज देते हैं।
नित्य सिद्ध पार्षदों को साथ ले जाते हैं, वो भगवान के बिना धरती पर रहेंगे नहीं। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान के बिना उनकी हालत खराब हो जाएगी। और भगवान बहुत प्रभावशाली हैं, और यदुवंश जो है वो भगवान के सानिध्य में और प्रभावशाली हो गया। तो भगवान को डर है कि ये सब यदुवंशी अहंकार में आ गए तो पृथ्वी का विनाश भी कर सकते हैं, शक्तिशाली तो बहुत है भगवान का वंश है। तो इसलिए ये सब सोचते हुए भगवान जो है इनको साथ लेके जाना चाहते हैं। और भगवान की इच्छा से एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे ऋषि मुनि, जिसमें नारद जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, बहुत सारे ऋषि मुनि, विश्वामित्र जी और भी, ये सब लोग जो है वो वसुदेव जी के यहाँ आए। वसुदेव जी ने जो है वो यज्ञ करवाया हुआ था, जिसमें दुर्वासा जी भी शामिल हैं। तो ये सब लोग यज्ञ में आए और यज्ञ समाप्त करवाया इन्होंने। और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो ये लोग जो है वो तीर्थ स्थान पर यात्रा करने के लिए चले गए। जब ये लोग तीर्थ स्थान पर यात्रा करने के लिए गए, तब भगवान के जो वंशज हैं आगे, जामवती के पुत्र सांब और भी उनके भाई, इनको एक शरारत सूझी। तो इन्होंने क्या किया, ये सब ऋषि मुनि जिसमें भृगु ऋषि हैं, सब लोग वहां घूम रहे थे, अत्रि ऋषि, तो इन्होंने सांब को ना एक साड़ी पहनाई, सांब को साड़ी पहनाई। और साड़ी पहनाकर इन्होंने इन ऋषि मुनियों से पूछा कि ये स्त्री है, गर्भवती है, आप त्रिकालज्ञ ब्राह्मण हैं, तो आप बताइए कि इस स्त्री के क्या होगा, बेटा होगी, बेटा होगा या बेटी होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये शर्मा रही है, पूछ नहीं पा रही है, तो आप बता दीजिए। जब ये सुना तो ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हुए। ऋषि मुनियों ने क्या कहा, देखिए सीधे ऋषि मुनि है जो कह देंगे वो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये स्त्री जो है वो ना तो किसी पुत्र को जन्म देगी, ना ही पुत्री को जन्म देगी, ये एक लोहे के मूसल को जन्म देगी, और वो लोहे का मूसल जो है वो संपूर्ण वंश का जो है वो विनाश कर देगा। जब ये सुना तो बहुत परेशान हो गए बच्चे। ऋषि मुनि चले गए, और जब ऋषि मुनि चले गए ना, तो इन बच्चों ने सच में सांप की साड़ी खोली तो उसमें से एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। और लोहे का मूसल प्रकट होते ये लोग और डर गए, तो ये उग्रसेन महाराज के पास गए। उग्रसेन जी महाराज सोच रहे हैं क्या करना है क्या करना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मूसल के ना टुकड़े टुकड़े करवा दिए, चूरा चूरा करवा दिया और समुद्र में फेंक दिया। अपनी तरफ से उन्होंने ना मतलब मुसीबत को टाल दिया है, पर असल में मुसीबत टली नहीं। देखिए यहां पर ये समझने की बात है कि इन्होंने भगवान को नहीं बताया। भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। भगवान अगर देवकी जी के 6 पुत्रों को बचा सकते हैं, महाभारत के युद्ध में सबकी रक्षा कर सकते हैं, अपने गुरु पुत्र को वापस ला सकते हैं, तो क्या भगवान इतने से श्राप से इनको नहीं बचा सकते, बचा सकते हैं। पर भगवान एक तो खुद चाहते हैं कि यदुवंश का सहार हो जाए, और दूसरा इन्होंने बताया भी नहीं भगवान को। देखिए जब युधिष्ठिर महाराज ना युवा खेलने गए थे ना, तो हमेशा भगवान की शरण में और भगवान को साथ रखते थे पांडव, पर युवा खेलना क्योंकि अच्छी बात नहीं है, इसलिए ना युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से छुपा लिया वो चीज, भगवान को नहीं बताई, और चोरी चोरी युवा खेलने चले गए। और फिर क्या हुआ, फिर मुसीबत में फंस गए। तो जब द्रौपदी के बताने पर, बुलाने पर भगवान आ सकते हैं, तो भगवान जो है वो युधिष्ठिर महाराज के बुलाने पर क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं ना, पर युधिष्ठिर महाराज ने बुलाया ही नहीं। तो हम लोग भगवान से पर्दा रखते हैं ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इन्होंने भी भगवान को कुछ नहीं बताया और खुद ही आपस में सुलझा लिया, समुद्र में फिकवा दिया मूसल और उसका चूरा। वो भगवान की कुछ करनी ऐसी हुई कि समुद्र की लहरों के साथ वो सारी चीजें वापस आ गई, और समुद्र के किनारे आकर ना एक घास में परिवर्तित हो गई, और घास सरकंडे एलामक की, वो ऐसी घास ना कि तलवार से भी तिखी घास, और एक टुकड़ा लोहे का बच गया, वो एक मछली ने निकल लिया। उस मछली को जरा नाम के शिकारी ने पकड़ा, उसको काटा, अंदर से टुकड़ा निकला, उस टुकड़े से उसने एक मान बना लिया। तो इस तरह से जो है वो हुआ। और जब इस बात का वसुदेव जी, देवकी माता को पता चला, तो वसुदेव जी जो बड़े उदास हुए। अब वसुदेव जी करे क्या, सोच ही रहे हैं, इतने में वहां आ गए नारद मुनि। देखिए नारद मुनि जो है वो द्वारिका में आते रहते थे। नारद मुनि आया तो वसुदेव जी की नारद मुनि से भेंट हुई। वसुदेव जी की जब नारद मुनि से भेंट हुई ना, तब वसुदेव जी ने प्रश्न कर दिए। वसुदेव जी प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा तरीका या ऐसा साधन बताइए जिससे मेरी भौतिक आसक्तियां मिट जाएं। ये तो कह रहे हैं वसुदेव जी कि भगवान उनके पुत्र हैं, तो वो तो जीवन भर उनको पुत्र ही मानते रहेगा, भी भगवान माना ही नहीं, तो अभी फंस गए हैं वो,
कुछ ऐसा तरीका बताया जाए जिससे इनको क्या है भौतिक बंधनों से जो मुक्ति मिल जाए। देखिए, ये वसुदेव जी बात कर रहे हैं जो भगवान के पिता हैं, उनकी पोजीशन समझिए, पर फिर भी हम्बल होकर वो रिक्वेस्ट करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जब उन्होंने इस तरह से प्रश्न किए तो पहले तो महाराज जी बड़े खुशी हुए क्योंकि भगवान के विषय में बात करने को मिलेगी, और शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के विषय में बात करते करते खुशी होता है। तब नारद जी ने उत्तर देना शुरू किया और उत्तर में वो नव जुगेंद्रो का संवाद बताते हैं निमि महाराज से। देखिए, पुराणों में ना प्रश्न उत्तर देने की एक शैली है। जब भी कोई श्रोता प्रश्न करता है और वक्ता उत्तर देता ना, तो उत्तर जो है वो डायरेक्ट नहीं देता, वो ये बताता है कि पुराणों में ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया जा चुका है और इसका आंसर दिया जा चुका है। उस एग्जाम्पल को कोड करके जो है वो उत्तर दिया जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ना तो श्रोता को घमंड हो कि मैंने क्या प्रश्न किया, वाह वाह, और ना ही वक्ता को घमंड हो कि मैंने क्या जबरदस्त उत्तर दिया है। तो इसका एक रीजन ये भी होता है और अथॉरिटी भी होती है कि हाँ भाई पहले किया जा चुका है ये। तो इस तरह से जब इन्होंने ये प्रश्न किया तो ये प्रश्न पहले भी नव जोगेश्वर जो है वो नारद निमि महाराज जो है वो नव जोगेंद्रों से कर चुके हैं। तो नारद जी उसी को बता रहे हैं कि एक बार निमि महाराज जो है वो यज्ञ कर रहे थे। निमि महाराज के यज्ञ में नव जोगेश्वर आए। निमि महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया और फिर उनसे प्रश्न किए। देखिए, ये नव जोगेंद्र है कौन? पहले हम चर्चा कर रहे थे ये नव जोगेंद्र जो है ये ऋषभ जी महाराज के पुत्र हैं। देखिए, प्रियव्रत महाराज के आग्निद्र हुए पुत्र, आग्निद्र के नाभि हुए और नाभि के ऋषभ देव हुए, और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र थे भरत, जिन्होंने 3 जन्म लिए और जिनके नाम पे इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। और वो उन्होंने 3 जन्म लिए, वो जड़ भरत बने, रघुवंश जी को उपदेश दिया, तो बड़े पुत्र भरत, और 81 पुत्र जो है वो ब्राह्मण बने, जन्म से क्षत्रिय पर कर्म से ब्राह्मण, और 9 पुत्र जो है 10 पुत्र राजा बने, जिसमें से बड़े थे भरत, और सबसे छोटे 9 पुत्र रह गए थे जो महाभागवत बने। तब हमने डिस्कशन की थी कि ये महाभागवत बने और इनकी इनका वर्णन जो है वो हम श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में करेंगे। तो ये वही नव जोगेश्वर है, ऋषभ देव जी के पुत्र, जो आज निमि महाराज की यज्ञशाला में पहुंचे हैं। इनके नाम है श्री कवि, श्री हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविरहोत्र, द्रुमिल, चम्मस और करभाजन। तो ये नव जोगेंद्र है। और राजा निमि कौन है? देखिए, पीछे हमने चर्चा की थी ना, इश्वाकु वंश में राजा निमि है। वशिष्ठ जी को इन्होंने यज्ञ करने के लिए कहा था, वशिष्ठ जी इंद्र यज्ञ करवाने चले गए थे, तब इन्होंने किसी और से यज्ञ करवा लिया वगैरह, और फिर इनको श्राप मिल गया था, तब इनके शरीर का मंथन हुआ। तो ये निमि जी महाराज है, इनके वंश में फिर जनक, इनके शरीर का मंथन करके जनक जी उत्पन्न हुए और फिर माता सीता का जन्म हुआ था इनके वंश में। तो ये यज्ञ करवा रहे थे निमि जी महाराज, तब इनके यज्ञ में जो है वो नव जोगेश्वर जो है वो आए थे, और उन्होंने निमि जी महाराज ने बहुत ही सुंदर 9 प्रश्न जो है वो नव जोगेश्वर से किए, और एक एक करके नव जोगेंद्रों ने इनका जो है वो उत्तर दिया। तो सबसे पहले इन्होंने प्रश्न किया कि परम कल्याण का क्या साधन है, मनुष्य जीवन में परम कल्याण कैसे होगा? तो इसका उत्तर श्री कवि जी ने दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है वो भय से ग्रस्त रहता है। भय क्यों होता है व्यक्ति को? व्यक्ति को भय इसलिए होता है क्योंकि वो भौतिक आसक्ति में लिप्त रहता है। हम जब मटेरियल अटैचमेंट लगा लेते हैं किसी चीज से, तो हमें ये भय इसलिए होता है कि छिन ना जाए, हमारे लव्ड वंस कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। कभी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, पर बाकी के साथ नहीं होता, पर डरते सभी हैं। और इसका निवारण क्या बताया उन्होंने? अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी, शरीर से, मन से और वाणी से। तो बेसिकली भक्ति के विषय में बताया है। तो सर्वप्रथम भक्ति के विषय में प्रश्न किया और सेकंड प्रश्न किया कि भक्त के क्या लक्षण है, मुझे भक्त के लक्षण के बारे में बताइए, भक्त किस प्रकार बातें करता है, कौन कौन से गुण होते हैं उसमें, उसको क्यों वो भगवान को इतना प्रिय है वगैरह वगैरह। पहला प्रश्न भक्ति का, दूसरा भक्त के विषय में प्रश्न किया, जिसका उत्तर श्री हवि जी ने दिया। श्री हवि जी कहते हैं कि 3 तरह के बेसिकली भक्तों की बात हो रही है, एक कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ कोटि के भक्त, एक मध्यम कोटि के और एक उत्तम कोटि के। जो कनिष्ठ कोटि के भक्त है ना, वो अर्चा विग्रह में तो भगवान को देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं,
पर उनको मनुष्यों में बाकियों में भगवान नहीं दिखते हैं। और जो मध्यम कोटि के भक्त हैं वो अर्चा विग्रह की पूजा भी करते हैं, उनको बाकियों में भी भगवान दिखते हैं। जो लोग भगवान के भक्त नहीं है उनके प्रति वो दयालु रहते हैं, और जो लोग भगवान के विरुद्ध हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उनसे वे दूरी बनाते रखते हैं। ये मध्यम कोटि के भक्तों के लक्षण है। फिर आया उत्तम कोटि का भक्त। ये जो उत्तम कोटि के भक्त हैं, ये प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में भगवान के दर्शन जो है वो करते हैं। तो भगवान के विषय में प्रश्न किया, भक्ति के विषय में किया, और अब माया के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न उन्होंने माया के विषय में किया कि बताइए कि भगवान की माया शक्ति कैसे वर्क करती है, ऐसा कैसे कि भगवान की माया शक्ति से लोग भ्रमित हो जाते हैं। तब इसका उत्तर जो है वो श्री अंतरिक्ष जी ने दिया। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि माया शक्ति क्या करती है। बेसिकली माया शक्ति जो है वो व्यक्ति को जो नहीं होता है उसको दिखा देती है। स्वतंत्रता के विषय में बेसिकली जोड़ा है। व्यक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है और भगवान की माया शक्ति उसको ये बता देती है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, पर सच ये है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है। इसी को माया बोलते हैं। हमारा जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारा मरण भी हमारे हाथ में नहीं है, हमें जो प्रारब्ध वश प्राप्त होता है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जो हमें मिला ये नहीं भी मिलता तो हम क्या कर लेते हैं। पर व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो होता इस प्रकार से है कि एक बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे चांद ही चाहिए, चांद। माँ कहाँ से चांद ला के देगी। पर बच्चा बड़ी जिद करता है तो माँ क्या करती है, माँ एक कटोरी देती है बच्चे को, उसमें पानी डाल देती है। चंद्रमा की परछाई उस पानी में पड़ती है तो माँ कहती है तेरा चंद्रमा है, इसको तू ही रख। तो बच्चे को अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर देती है, बच्चा बड़ा खुश है, मेरे को पर्सनल चंद्रमा मिल गया। क्या सच है ये? नहीं, पर उसको लग रहा है ना। इसी को माया बोलते हैं कि है सच नहीं है। व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहता है और उसको लगता है कि वो है, ये माया शक्ति जो है वो भ्रमित कर देती है व्यक्ति को। माया के बारे में पूछा थर्ड प्रश्न। जब थर्ड क्वेश्चन माया के विषय में किया तो फिर चौथा क्वेश्चन कि माया से मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे संसारिक व्यक्ति जो है माया से अपने आप को मुक्त करवा सकता है। इसका उत्तर श्री प्रबुद्ध जी ने दिया। श्री प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि माया से कैसे मुक्ति मिलेगी, आप समर्पण करो अपने मेंटर्स को, गुरु को, और उनकी आज्ञा में कार्य करो, सेंस कंट्रोल करो, विस्तार पूर्वक भक्ति की व्याख्या की, सेवा करो खूब गुरु की आज्ञा में। तो भक्ति की जो है वो विस्तार पूर्वक व्याख्या कर दी। जब माया के विषय में प्रश्न कर दिया तो फिर भगवान के विषय में, क्या भगवान के बारे में बताइए। भगवान के विषय में जब पूछा तो इसका उत्तर जो है पिपलायन जी ने दिया। उन्होंने ब्राह्मण परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भगवान की कैटेगरीज में इनको जो है वो बड़े अच्छे से बताया कि भगवान किस लेवल पे हैं, भगवान के बारे में जो है वो बताया। फिर छठा प्रश्न कर दिया। छठा प्रश्न कह रहे हैं कि बताइए कर्मयोग के बारे में, कर्मयोग के विषय में प्रश्न किया। कर्मयोग के विषय में जो प्रश्न है उसका उत्तर श्री आविर्होत्र जी ने दिया, और उसमें उन्होंने बताया कि कुछ भी आप कर्म करते हो ना उसको भगवान से जोड़ो। सेवा के विषय में गाइड कर दिया, सेवा और ऐसा करने से आप जीवन की पूर्णता को जो है इस तरह से वो प्राप्त कर लोगे। तो बेसिकली सेवा के लिए इन्होंने कहा। फिर साथ में प्रश्न किया कि भगवान के अवतारों के बारे में बताओ। तब श्री द्रुमिल जी ने इसका उत्तर दिया। भगवान के कई तरह के अवतार हैं, पुरुष अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, शक्ति अवेश अवतार, अंशांश अवतार, युग अवतार। अवतारों का वर्णन किया जिसमें उन्होंने नारायण ऋषि के बारे में बात की है कि भगवान का अवतार जो है वो पावरफुल होता है। और एक बार नारायण ऋषि जो है वो द्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे थे। जब कोई तपस्या करता है तो तकलीफ किसको होती है सबसे ज्यादा, इंद्र को, कहीं मेरी गद्दी ना छिन जाए, तो वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ता है। तो नर बेसिकली अर्जुन है, नारायण भगवान है। तो उन्होंने उसने क्या किया कि कामदेव को भेजा बहुत सारे अप्सराओं के साथ की जाओ तपस्या भंग करो। कामदेव आए अप्सराओं को साथ लेकर, तब नर नारायण ऋषि ने सबको ध्वस्त कर दिया, और साथ ही ना बहुत सारी अप्सराएं अपने उरु से प्रकट की, उरु मतलब अपनी जंगा से, और कहा कि कितनी सारी अप्सराएं हैं देखो, हमें इंद्र को बोलो कि तुम्हारी अप्सरा नहीं चाहिए, तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए, एक अप्सरा को तुम अपने साथ ले जाओ। एक अप्सरा गिफ्ट के रूप में भेजी क्योंकि वो उरु से प्रकट हुई थी, इससे उसका नाम उर्वशी पड़ा। तो नारायण जी से ये उर्वशी अप्सरा प्रकट हुई, और नारायण ऋषि ने उर्वशी अप्सरा को उनके साथ जो है वो भेजा। तो इस तरह से भगवान के अवतारों के विषय में जो है वो बताया, और उसके बाद प्रश्न कर दिया राजा निमि ने। आठवां प्रश्न कर दिया कि अभक्त की क्या गति होती है, जब भगवान की भक्ति नहीं करते उनकी क्या गति होती है।
इसका उत्तर श्री चम्मच जी ने दिया। चम्मच जी कहते हैं कि दो तरह के लोग जो है वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। एक को तो ज्ञान ही नहीं है कि भगवान की भक्ति भी कोई चीज होती है, भगवान भी कोई चीज होते हैं, ठीक है। और दूसरा सब कुछ जानते हैं तब भी भगवान के विरोधी हैं। तो चम्मच जी कहते हैं कि जो लोग तो कुछ नहीं जानते उनका तो फिर भी कल्याण हो सकता है, वो किसी से श्रवण कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में लग सकते हैं जो कुछ नहीं जानते। पर जो सब कुछ जानते हुए भी भगवान के विरोधी हैं वो तो नरक में ही जाएंगे। तो इस तरह से उत्तर देते हैं। और उसके पश्चात लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि भिन्न भिन्न युगों में भगवान की प्राप्ति के साधन क्या है, कैसे हम भगवान को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग युगों में। तो इसका उत्तर जो है श्री करभाजन जी देते हैं। करभाजन जी सर्वप्रथम तो बताते हैं कि चार तरह के युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में भगवान जो है वो श्वेत वर्ण में अवतार लेते हैं, और सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का साधन है ध्यान। त्रेता युग में भगवान रक्त वर्ण से अवतार लेते हैं और भगवान की प्राप्ति का साधन है यज्ञ। द्वापर में भगवान जो है वो श्याम वर्ण से आते हैं और द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति का साधन है अर्चा विग्रह की पूजा। और कलयुग में भगवान जो है वो गौर वर्ण से अवतार लेते हैं और भगवान की प्राप्ति का साधन है हरि नाम संकीर्तन। तो कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और उनको गौरांग महाप्रभु भी बोला जाता है, गौरंग के हैं वो, उनका एक नाम गौरांग भी है। और उन्होंने हरि नाम संकीर्तन का दान जो है वो दिया सबको, कलयुग के जीवों को, और बताया कि मनुष्य का कल्याण कलयुग में तो तभी होगा जब वो व्यक्ति जो है वो भक्तों के संग में हरि नाम संकीर्तन करेगा। हरि हरि बोल। तो बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इस तरह से निमिष जी महाराज ने जो है 9 प्रश्न किए। सर्वप्रथम भक्ति के बारे में प्रश्न किया, फिर भक्तों के विषय में प्रश्न किया, फिर माया के विषय में प्रश्न किया, फिर माया से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं उसके विषय में प्रश्न किया, नारायण भगवान का क्या स्वरूप है, फिर कर्म योग के बारे में पूछा, अवतारों के विषय में पूछा, अभक्तों की गति के विषय में पूछा, और फिर भिन्न भिन्न युगों में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके विषय में पूछा, और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। यही चीज नारद जी जो है वसुदेव जी को सुना रहे हैं। आज नारद जी के मुंह से वसुदेव जी ये सब सुन के खुश हो गए, उनका मोह दूर हो गया। अब तो नारद जी कह रहे हैं कि आपको पता है आपके घर में कौन है, किसका किसके साथ रहते हो, बताया और कहा कि और क्या चाहिए। जब व्यक्ति पूर्ण पुरुष होता है भगवान के साथ रह रहा है, आपकी पोजिशन समझिए। तब नारद वसुदेव जी खुश हो गए और कहा कि अब उनको थोड़ी सांत्वना मिली है, तो बड़े खुश थे और चले गए जो है। नारद जी जो है वो वहां से फिर चले गए। भगवान जो है वो इस तरह से जो है द्वारिका में रह रहे थे। तभी एक दिन भगवान से मिलने के लिए ब्रह्मा आदि बहुत सारे देवता है, भगवान को नमस्कार किया, भगवान ने बहुत ज्यादा स्वागत किया। जब स्वागत किया ना तो ब्रह्मा जी भगवान को कहने लगे कि हम एक बार पहले भी आपके पास आए थे धरती माता को लेकर। धरती माता जो है वो बोझ के नीचे, पाप के बोझ के नीचे जो है वो दबी जा रही थी। तब हमने बोला था आप इस धरती पर आइए, और आप इस धरती पर जो आए और आपने धरती का भार उतारा, पर अब धरती का भार उतर चुका है। आपको इस धरती पर आए अब 125 वर्ष बीत गए हैं, तो अब आप अपने धाम जाइए। ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट करते हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि उन्होंने सारा इंतजाम पहले ही कर दिया है, उनको पता है वो समय खत्म हो गया है और यादवों को श्राप जो है वो लग चुका है। तो ये सब भगवान ने जो है वो बताया ब्रह्मा जी और देवताओं को। तब ब्रह्मा जी और देवता लोग जो है वो वहां से चले गए। उसी समय फिर भगवान ने ना यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की सलाह दी। क्यों दी? देखिए ऐसा है ना कि प्रभास क्षेत्र में एक बार ना चंद्रमा ने तपस्या की थी, तब भगवान प्रकट हुए थे, सोमनाथ भगवान की मां स्थापना हुई थी, भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनको जो है वो रोग मुक्त हो जाने के लिए कहा। तो प्रभास क्षेत्र की बड़ी मान्यता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान उनको कह रहे हैं कि आप लोग प्रभास क्षेत्र चले जाओ, क्योंकि भगवान को पता चल चुका है कि श्राप मिला है। भगवान को तो पहले ही पता था, पर वो तो उन्होंने छुपाया था ना। तो भगवान कहते हैं कि आप वहां चले जाओ और वहां जाके भगवान की भक्ति भक्ति करो, थोड़ा सा आपको ना क्या होगा, मुक्ति मिलेगी। और देखिए भगवान चाहते ही हैं कि यादव लोग जो है वो द्वारिका से निकल जाएं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर ये द्वारिका में रहेंगे तो द्वारिका से जो जाएगा
वो तो भगवान के धाम जाएगा ना, तो भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं। देवता लोग देवताओं की पोजीशन पर ही जो है वो प्रतिष्ठित हों, ये भगवान चाहते हैं। तो भगवान ने उनको द्वारिका से निकाला है। वैसे भी द्वारिका जो है वो जलमग्न होने वाली है, कहा है भगवान ने कि आज से सातवें दिन द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। तो सबको प्रभास क्षेत्र भेज दिया, उस क्षेत्र की महिमा को बताते हुए वो उनको द्वारिका से निकालना चाहते हैं। सब लोग जल से थल पर आ गए और उनके जाते ही वहां उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने भगवान को नमस्कार किया और उद्धव जी भगवान से पूछ रहे हैं कि ऐसे से श्राप। तब भगवान ने पूरा अपना दिल खोला उद्धव जी के साथ और भगवान ने कहा है कि मैं इस धरती को छोड़ के जाने वाला हूं, मेरे जाते ही यहां पर कलयुग आ जाएगा और तुमने कलयुग से अब बच के रहना है। उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं मैंने कलयुग से बच के रहना है, मैं तो साथ ही जा रहा हूं। तब भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने बड़ी सारी जगहें गिनाई। भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन में रहा, मथुरा में रहा, द्वारिका में रहा, हस्तिनापुर में रहा, इंद्रप्रस्थ में रहा, मैं यमराजपुरी भी गया अपने गुरु के पुत्र को लाने के लिए, सुतल लोक भी गया देवकी माता के 6 पुत्रों को लाने के लिए, और भी भगवान बड़ी जगह घूमे हैं। भगवान ने सब गिनाई पर भगवान कहते हैं कि मैं एक जगह जाना चाहता था बद्रिकाश्रम, पर मैं नहीं जा पाया। तुम वहां जाओ मेरे बिहाफ पे, तुम वहां जाओ और वहां जाकर तुम जो है वो प्रचार प्रसार करो, मैं अपनी धरोहर तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूं, तुम उसका प्रचार प्रसार करो। उद्धव जी भगवान के बिना रुकने को तैयार नहीं है। भगवान ने उद्धव को कहा कि तुम सावधान हो जाओ, कलयुग आने वाला है, तुम कलयुग से बच के रहना, हर तरह से अपनी इंद्रियों और मन को मेरे पे लगाना, धरती पर रहो। तब भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया जिसको उद्धव गीता भी कहते हैं और भगवान ने श्रीमद भागवतम में प्रवेश भी किया कि मैं इस धरती से चला जाऊंगा तो मैं श्रीमद भागवतम के रूप में धरती पर रहूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब भगवान जो है वो उद्धव जी को कहकर चले गए और तब उद्धव जी जो है वो भगवान के सहारे, श्रीमद भागवतम के सहारे जो है वो इस धरती पर रहे। और जब भगवान गए ना, उसी समय उद्धव जी भी बद्रिकाश्रम चले गए। देखिए भगवान ने जाने से पहले अर्जुन को उद्धव को गाइड बहुत किया, काफी विस्तार में उद्धव गीता का वर्णन आता है पूरे के पूरे 11th कैंटो में। देखिए जब भगवान महाभारत का युद्ध होना था तो भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे, तो वो तो भगवान ने जल्दी दे दिया था। रीजन की उस समय युद्ध होना था, बहुत कुछ होना था अभी। अब तो भगवान फ्री है, अब सारे काम हो चुके, युद्ध हो चुका, भगवान का धरती पे से जाने का समय आ गया, तो अब भगवान आराम से ज्ञान जो है वो दे रहे हैं उद्धव को और बहुत विस्तार से इसका वर्णन आता है। सर्वप्रथम भगवान ने इक्वल विजन के बारे में बताया, समदर्शी होना चाहिए व्यक्ति को जब व्यक्ति ने जो है वो भगवान के धाम जाना है या आपने आगे बढ़ना है। फिर भगवान कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस व्यक्ति को करना चाहिए कि सबसे सीखना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए। तब भगवान ने अवधूत और उनके 24 गुरुओं के बारे में वार्तालाप की। देखिए ये राजा यदु और अवधूत के बीच में जो वार्तालाप हुई ना, उससे भगवान उद्धव जी को जो है वो सिखा रहे हैं, उससे भगवान उद्धव जी को सिखा रहे हैं कि राजा यदु कौन है। देखिए यजाति, पीछे हमने 9th कैंटो में राजा यजाति का जो है वर्णन सुना था, उनके बड़े पुत्र थे यदु, जिनके नाम जिनके आगे यदुवंश जो है वो आने वाला था, वो राजा यजाति के पुत्र। और दूसरी तरफ अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय भगवान, इनका आपस में वार्तालाप हुआ और उस समय अवधूत ब्राह्मण ने, अवधूत होता है बेसिकली जो समाज के नियमों को ना माने, समाज में रहने के बड़े सारे नियम होते हैं ना, तो जो उसको नहीं मानता उसको अवधूत बोलते हैं, उनकी पोजिशन थोड़ी ऊपर होती है। तो क्या हुआ कि अवधूत ब्राह्मण ने 24 गुरु बनाए थे और आज उन गुरुओं का वर्णन जो है वो भगवान जो है वो उद्धव को कर रहे हैं। तो वो गुरु कौन से हैं? कबूतर, पृथ्वी, सूर्य, पिंगला, पिंगला वैश्य है एक, वायु, मृग, समुद्र, पतंगा, हाथी, आकाश, जल, मधुमक्खी, मछली, बालक, कुरर पक्षी, अग्नि, चंद्रमा, कुमारी कन्या, सर्प, तीर बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, अजगर और भोरा प्रमर। तो ये अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु हैं, इनसे उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो सीखा है, कुछ ना कुछ, और सीख कर अपने जीवन में उतारा है। तो भगवान यही उद्धव को कह रहे हैं कि आपको भी सीखना चाहिए, और उसके पश्चात बहुत सारे विषयों का ज्ञान जो है वो भगवान ने उद्धव जी को दिया। सर्वप्रथम भगवान ने जो है वो बद्ध व्यक्ति के बारे में बताया और मुक्त व्यक्ति के बारे में बताया कि कौन से होते हैं, भक्त के लक्षण बताए,
भगवान ने उद्धव जी को सत्संग की महिमा बताई, फिर हंसोपाख्यान भी बताया। देखिए एक बार ना सनक आदि ऋषि मुनि जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, तो आपस में वार्तालाप चल रही थी, तब सनक आदि ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिया। जब सनक आदि ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया ना, तो ब्रह्मा जी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तब ब्रह्मा जी ने फटाफट से भगवान पे ध्यान लगाया, तब भगवान जो है वो स्वयं प्रकट हुए हंस रूप में, और भगवान ने हंस रूप में प्रकट होकर जो है वो ब्रह्मा जी के प्रश्नों का उत्तर जो है वो दिया। तो इस तरह से हंस भगवान ने ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान को आज भगवान ने उद्धव जी को भी बताया। फिर भगवान ने जो है वो सिद्धियों के बारे में बताया कि सिद्धियां कौन कौन सी हैं और कैसे प्राप्त होती हैं और उनसे होता क्या है, बहुत विस्तार में बताया। सर्वश्रेष्ठ मार्ग के बारे में बताया, भगवान की विभूतियों के बारे में बताया, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया। चार वर्ण होते हैं और चार ही आश्रम होते हैं, तो गृहस्थ धर्म और के बारे में बताया, और शुद्ध ज्ञान दिया, भक्ति का निरूपण किया, फिर ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में बताया, और बताया कि कैसे क्रमशः एक 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 करके जो है वो आगे बढ़ना है। ये सब जो है वो भगवान ने बताया, इन सब विषयों का भगवान ने जो है वो ज्ञान दिया। तो इस तरह से भगवान ने ज्ञान दिया, और उसके पश्चात जो है भगवान, देखिए उसके पश्चात भगवान उस धरती पर से जाने का समय आ गया ना, तो उद्धव जी को तो भेज दिया उन्होंने, उद्धव जी चले गए। लास्ट में भगवान ने उनको बताया कि सब बातों की एक बात, व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए, और जो भी तिथियां आती हैं जैसे जन्माष्टमी, एकादशी वगैरह, इनको जो है वो अच्छे से पालन करना चाहिए। भगवान नहीं चाहते थे कि सब डिवोटीज जो है वो कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक चीज बता दी, हाँ भाई ये करो, हर समय भगवान का स्मरण करो, और जो भी एकादशी वगैरह जो तिथियां आती हैं इनका अच्छे से पालन करो। और उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए हैं। देखिए जब उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए ना, तब रास्ते में इनको विदुर जी मिले, इसका वर्णन हम सुन चुके हैं। तब इन्होंने विदुर जी को भगवान के इस धरती पर जाने का के बारे में बताया, और विदुर जी भी बड़े बड़ा रोए हैं, इन्होंने भगवान को याद किया, और फिर ये चले गए आगे बद्रिकाश्रम। और दूसरी तरफ भगवान ने यादवों को कहाँ भेजा है, भगवान ने यादवों को प्रभास क्षेत्र भेजा है। यादव लोग प्रभास क्षेत्र जो है वो पहुंच गए हैं, पर क्योंकि पीछे भगवान का संकल्प है और गंधारी माता ने भी श्राप दिया है, तो उस समय यादव लोग उन्मत्त हो गए। क्या उन्मत्तता हुई, यादव लोगों ने बहुत सारी मदिरा पी ली, बहुत सारी मदिरा, और एक दिन मदिरा के नशे में चूर हो गए यादव लोग, और मदिरा के नशे में चूर होके ना आपस में लड़ बैठे, लड़े लड़े तो ऐसा लड़े ना कि एक दूसरे पर हथियार चलाना शुरू कर दिया, हथियार जो है वो टूट टूट के गिरने लगे। तब भगवान कृष्ण और बलराम को पता चला, तो भगवान कृष्ण और बलराम जो है वो उनको रोकने के लिए गए, पर उस समय यादव लोग इतने उन्मत्त हो गए थे कि उन्होंने क्या किया, कृष्ण और बलराम की एक नहीं सुनी, और कईयों ने तो उन पर आक्रमण ही कर दिया। तब भगवान कृष्ण और बलराम को भी गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, हथियार उठाए, और यदुवंश का विनाश हो गया, बच्चे आपस में लड़ मर गए, और भगवान भी उनमें शामिल थे उनको मारने में। इनको हथियार कहाँ से मिले, देखिए वो जो मूसल था ना, उसका जो चूरा था उसको समुद्र में फुकाया था ना, और वो किनारे पर आ गया था, और वो घास बन गया, और वो घास जो है वो सरकंडे इतने तिखे थे, तलवार से भी ज्यादा तिखे। तो अब जब इनके हथियार टूट गए थे, या इन्होंने बहुत ज्यादा हथियार नहीं कैरी किए हुए थे, तो इन्होंने वो वही घास के तिनके उठाने शुरू किए, और वो जो है वो तलवार से भी तेज थे, उससे एक दूसरे को काट दिया, इन्होंने काट मार दिया उससे। तो इस तरह से इनका आपस में युद्ध हुआ, और सारा का सारा जो है यदुवंश जो है वो खत्म हो गया, सारा यदुवंश खत्म हुआ। अब भगवान के वापस जाने की बारी है, तो बलराम जी जो है वो भगवान से पहले ही अंतर्ध्यान हो गए। तो बलराम जी पहले जो है वो भगवान के धाम गए, और उसके पश्चात भगवान कृष्णा के लौटने की बारी है। तो भगवान कृष्णा बैठे हैं एक पेड़ के नीचे, तभी वहां पर जरा नाम का एक शिकारी आया, और उसने क्या किया, वही तीर जो मछली के पेट से जो नोक निकली थी ना, लोहे का टुकड़ा उसने तीर में लगाया था, वही तीर उसने भगवान को मारा। और वही तीर जब उसने भगवान को मारा, तो भगवान के पैर से जो खून निकलने लगा, और जब देखा जरा ने, तो उसने अपनी तरफ से भगवान को नहीं मारा था, वो तो शिकार खेलने के लिए इस पशु पक्षी को ढूंढ रहा था। तो जब उसने देखा कि भगवान को तीर लगा, तो भगवान के चरणों में गिर गया और रोने लग पड़ा, बहुत पछताया।
भगवान ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, भगवान ने इतने महाभारत के युद्ध में रक्षा की पांडवों की, इतना कुछ किया, क्या भगवान को एक साधारण सा तीर मार सकता है? क्या भगवान जो है वो एक तीर से अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, भगवान चाहते थे खुद कि वो भगवत धाम वापिस जाना, ये भगवान की लीला है, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो जरा नाम का जो शिकारी है वो जब भगवान के चरणों में गिरा तो भगवान ने उसको वैकुंठ भेज दिया। भगवान ने कहा तुम जाओ मैं भी आता हूँ। तब जरा नाम का जो शिकारी है वो पहले चला गया भगवान से, और उसके पश्चात भगवान ने अपने हथियार अपने रथ इन सबको वापस भेज दिया, ये आकाश मार्ग से ऊपर को उठे और चले गए। उसके पश्चात भगवान ने अपने जो है वो सारथी को बुलाया है, तारुक नाम है उसका। भगवान ने अपने सारथी को कहा कि तुम जाओ द्वारिका और वहां जाकर वसुदेव जी को उग्रसेन जी को मैसेज दो। क्या मैसेज दो? मैसेज दो कि यदुवंश का संहार हो गया, कृष्ण तथा बलराम भी स्वधाम वापिस लौट गए हैं, और आज से 7वें दिन द्वारिका जो है वो भी डूब जाएगी, तो आप सभी लोग जो है वो पांडवों के संरक्षण में अर्जुन के पास उधर चले जाओ, दूसरी तरफ। तो इस तरह का मैसेज दिया, और उसके पश्चात भगवान सशरीर सशरीर ऊपर उठ गए और वहां से चले गए। तो इस तरह से भगवान ने धरती त्यागी, और भगवान के धरती त्यागने से जैसे ही भगवान ने धरती का त्याग किया ना, वैसे ही वहां कलयुग आ गया। और दारुक जो है वो गया, दारुक कहाँ गया? देखिए दारुक जो है वो वसुदेव जी के पास गया, उग्रसेन जी के पास गया, और उन्होंने जाके वहां पर जो है मैसेज दिया। और जब उन्होंने वहां पर जाके मैसेज दिया ना, उस समय बहुत रोए हैं वसुदेव जी, देवकी जी, रोहिणी जी, अल्टीमेटली वो प्राणों को रख नहीं पाए, उन्होंने प्राण त्याग दिए। भगवान की अष्टपट रानियां वो भी प्राणों को रख नहीं पाई, वो उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। बहुत सारे जो भगवान के बिना रह नहीं सकते थे उन्होंने प्राण त्यागे, और उसके पश्चात जो पांडव लोगों को पता चला उन्होंने भी प्राण त्यागे, और द्वारिका जो है वो जलमग्न हो गई, और बाकी सब रानियां जो है वो इस तरफ आ गई वज्रनाभ के साथ। और उनको मतलब परीक्षित महाराज ने जो है वो मथुरा मंडल का राज्य दिया, और बड़े प्यार से वो लोग आपस में रहने लग पड़े। तो इस तरह से रह रहे हैं वो धरती पर। जब कलयुग आया ना, देखिए उस समय ना बहुत श्रीमद् भागवतम में कलयुग के लक्षण और कलयुग के जो पतित राजवंश है ना उनके बारे में बताया गया है। ये बहुत सारे कलयुग के लक्षण है। ये बताया गया है कि कलयुग में राजा कैसे होंगे, कलयुग में जो राजा होंगे ना वो अत्याचारी होंगे, ये बताया गया है, और वो शरणागत की रक्षा नहीं करेंगे, शरणागत की रक्षा नहीं करेंगे। पुराने जमाने में अगर कोई बोलता था ना कि मैं आपकी शरण में हूं, तो बहुत बड़ी बात होती थी, कुत्ता तक शरण में आता था उसकी भी रक्षा की जाती थी। पर कलयुग का पहला लक्षण शरणागत की रक्षा नहीं होगी, दूसरा स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा, स्त्रियों की हालत खराब है, अदरवाइज स्त्रियों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी पहले। संसार में अधर्म है, लोग जो हैं वो रजोगुण और तमोगुण प्रधान होंगे, अदरवाइज बाकी युगों में लोग जो हैं वो सत्वगुण प्रधान होते हैं। और सबसे बड़ा जो कलयुग का लक्षण है वो है पति पत्नी में झगड़ा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, आजकल जब पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, तो वो सुनाते हैं कोई नया विवाहित जोड़ा हो तो सुनाता है कि हाँ भाई हमारे में झगड़ा हो गया, तो हम हंसते हैं, ये तो होना ही था, हमें तो पहले ही पता था। ऐसा भी कभी होता है कि झगड़ा ना हो, ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग से पहले पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता था, और अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है, कलयुग का लक्षण है। हमारे लिए बहुत कॉमन है, कॉमन हो गया तो हम लोग इतना कलयुग में रच पच गए हैं। देखिए और क्या लक्षण है, कलयुग में लोगों की हाइट छोटी होगी, सतयुग में या बाकी युगों में लोग बड़े थे, उम्र कम होगी, सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1 लाख साल, फिर त्रेता आया 1 जीरो घटा दो 10,000 साल, फिर द्वापर आया 1 जीरो और घटा दो, फिर कलयुग आया 1 जीरो और घटा दो, इस तरह से। और कलयुग के अंत तक तो 50 साल की उम्र जो है व्यक्तियों की रह जाएगी। और तीर्थ यात्रा व्यक्ति करने जाएगा तो तीर्थ किसको बोलेंगे कलयुग में? यहाँ पे पवित्र नदी हो, नदी में स्नान कर लिया तीर्थ हो गया, तीर्थ का असली मतलब नहीं समझा जाएगा। और ब्यूटी किसको बोलेंगे कलयुग में? ब्यूटी बोलेंगे जिसका हेयर स्टाइल अच्छा है, हेयर स्टाइल के आधार पर जो है वो ब्यूटी होगी। और वातावरण कैसा होगा? एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम गर्मी, बर्फ पड़ेगी, इस तरह से। सच किसकी बात को माना जाएगा? सच उसकी बात को माना जाएगा जो बहुत ऊंची बोलेगा, चिल्ला के बोलेगा।
जो नम्रता से बोलेगा उसको, मतलब उसको ऐसे बताया जाएगा कि ये जो है वो झूठ बोल रहा है इस तरह से। तो ये कलयुग के लक्षण है। एक और कलयुग का लक्षण है, लोग ऐसी चीजों को खाना शुरू करेंगे जो खाने लायक नहीं है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि आजकल लोगों ने खाना शुरू कर दिया है पशुओं को, और आजकल एक नया ट्रेंड भी है, एक कलयुग है कि जब किसी पशु को मारा जाता है ना, तो अगर उसके पेट में बच्चा होता है तो उसके अंदर से बेबी निकलता है, उसको लोग बड़ा भून भून के खाते हैं। और कलयुग के अंत में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि लोग जो है वो नर मांस भी खाना शुरू कर देंगे। जब उनको बड़ी भूख लगेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो अपने बच्चों को भी मार के खाना शुरू कर देंगे। देखिए, ये अभी होना भी शुरू हो गया है, कलयुग का लक्षण है। लोगों ने गर्भ में बच्चों की हत्या करनी शुरू कर दी है, ये कलयुग का लक्षण है। ये पहले नहीं होता था, राक्षस लोग भी गर्भ हत्या नहीं करते थे, गर्भ में किसी बच्चे की हत्या नहीं करते थे, ये कलयुग का लक्षण है। ऐसा कुछ जो है वो कलयुग में हो गया है। और ऐसा भी बताया गया कि बाद में लोग जो है वो उसको रेस्टोरेंट में प्रेजेंट भी करने वाले हैं, उस मांस को पकाकर। तो इतना कलयुग भयानक युग है। अभी तो कलयुग बच्चा है, तो कलयुग के पूरे लक्षण बताए हैं। डर लगता है इनको सुन के, कलयुग के लक्षणों को। साथ ही साथ जो है वो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि कलयुग के लक्षण तो हैं, कलयुग भयानक युग होगा, लोग जो है वो एक दूसरे का शोषण करेंगे, छोटी छोटी स्त्रियां जो है, कन्याएं जो है वो मां बन जाएंगी, एज और कम हो जाएगी, कलयुग के अंत तक बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तब भगवान जो है वो कल के रूप में इस धरती पर जो है वो आएंगे। जब लोग पैसों को ही सब कुछ मानेंगे कि पैसा है तो सब है, तब कल्कि भगवान इस धरती पर आएंगे, इस धरती के मतलब इस कलयुग के अंत में। तो वो आएंगे विष्णु यशन नामक ब्राह्मण के घर पर, और शंबल नामक ग्राम में प्रकट होंगे, और अपने देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होंगे। करेंगे क्या, उनके हाथ में ना होगी तलवार, और कितने ही चोर डाकू होंगे, कुछ राजा के वेश में होंगे जो लोगों को मारेंगे, वो अपनी तलवार लेके ना उनको मारेंगे। कल्कि भगवान दुष्टों को मार देंगे, अच्छे लोगों की तो रक्षा करेंगे। उस टाइम तक ऐसा कोई अच्छा लोग बचेंगे नहीं, कलयुग का अंत है ना वो, तो सब लोग जो है वो ऐसे ही होंगे। और देखिए, एक कलयुग का लक्षण बताया कि कलह होगी बिना बात के, जहां कलह है वहां कलयुग है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो कलयुग कितने भयानक लक्षण है। तो भगवान खुद आएंगे, और भगवान जो है वो घोड़े पर घूम घूम के सब राजाओं को, उनके पतित वंशों को मारेंगे। इसके अलावा भागवतम में जो अभी राजा लोग है ना कलयुग में, कौन राज्य करेगा उसके बारे में बताया गया है कि कितने कितनी पीढ़ियों तक कौन सा वंश जो है वो राज्य करेगा, उसके बारे में भी बताया गया। तो इस तरह से बहुत कुछ बताया जाएगा। देखिए, जब अंत में भगवान बहुत सारे राजाओं का वध करेंगे ना, तब एक देवापी नाम के राजा जो कि शांतनु के भाई हैं और चंद्रवंश के हैं, हमने कल डिस्कशन की थी ना कि एक राजा देवापी चंद्रवंश के जीवित हैं, और एक राजा मरु सूर्यवंश के जीवित हैं, ये इक्ष्वाकु के वंश के हैं, और ये उस समय आएंगे तब भगवान सतयुग की स्थापना करेंगे, और ये सूर्यवंश और चंद्रवंश को चलाएंगे। ये जीवित ही इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने बाद में कल्कि भगवान की हेल्प करनी है, और सूर्यवंश और चंद्रवंश जो है उसको चलाना है। और श्रीमद् भागवत में बताया गया कि ये कलाप नामक गांव में ना आज भी हैं, और वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर तपस्या कर रहे हैं, किसी तरह से समय व्यतीत कर रहे हैं ताकि जब कलयुग का अंत हो तो ये मदद कर सके, हेल्प कर सके। उसके पश्चात भागवतम में भूमि गीत का वर्णन आया है, सुखदेव गोस्वामी भूमि द्वारा गाया गया गीत जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भूमि जो है वो हंस रही है, किन पर, इन राजाओं पर ही हंस रही है, क्योंकि राजा लोग कितने पतित हो चुके हैं ये हम सुन चुके हैं, भागवत में और डिटेल में वर्णन आता है। तो राजा लोग पतित हो चुके हैं और लड़ रहे हैं राज्य के लिए, तो कंट्रोल करना चाहते हैं सबको। तो भूमि देवी कह रही है कि अपने मन को तो कंट्रोल किया नहीं, इंद्रियों को तो कंट्रोल किया नहीं, मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया और मुझे कंट्रोल करने लग पड़े हैं, तो ये राजा लोग तो ठीक नहीं कर रहे हैं। जबकि जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो दूसरे को, भूमि को कंट्रोल करने में लगे हैं, उसका क्या फायदा है, और मृत्यु भी आने वाली है, तो मान लो आप पृथ्वी का राज्य प्राप्त भी कर लेते हो फिर मृत्यु आ जाती है तो क्या फायदा है। तो भूमि देवी इन राजाओं पर हंस रही हैं, और भूमि देवी जो भी इन राजाओं को कह रही हैं, और जैसा भी कुछ भी परमानेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भूमि गीत।
इस तरह से भूमि ने जो गीत गाया उसका वर्णन जो है वो श्रीमद् भागवतम में आता है। और उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया चार युगों के बारे में। सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज को मुझे चार युगों के बारे में बताया जाए। तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि चार युग हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और बताया कि जब सतयुग है ना तब धर्म जो है वो चार पैरों पर खड़ा है। धर्म के चार पैर हैं सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता। सतयुग में ये चारों पैर जो है वो सही सलामत है, पर जैसे ही युग परिवर्तित हुआ त्रेता युग आया तो 25% जो पैर है नष्ट हो गए। द्वापर आया तो 50% नष्ट हो गए। और जब कलयुग आया ना तो 25% बचे, तो 25% बचे हैं और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। या ऐसे भी बोला जाता कई जगह कि सतयुग में चार चरण थे धर्म के, त्रेता में तीन हो गए, द्वापर में दो हो गए और कलयुग में एक चरण था। और जब परीक्षित महाराज जो है वो कलयुग को मिले ना तो उस समय कलयुग उस चरण को भी तोड़ रहा था, उस पर भी प्रहार कर रहा था। तब बहुत क्रोध आया था, बहुत क्रोध आया था इनको परीक्षित महाराज को, और इन्होंने कहा था कि मैं कलयुग को मार दूंगा। पर फिर कलयुग के गुणों को देखते हुए उन्होंने कलयुग को मारा नहीं था। कलयुग में बहुत विशेष विशेष गुण है। इस तरह से हुआ और उसके पश्चात जो है वो चार तरह की प्रलोक का वर्णन जो है वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को किया है। चार तरह की प्रलय होती है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और अत्यंतिक प्रलय। देखिए समझने वाली बात है ये नित्य प्रलय क्या है। नित्य प्रलय जो होती है जो हर समय होती रहती है, क्षण क्षण में प्रलय होती है। देखिए हमारा शरीर है ना, इसके सेल हर क्षण मर रहे हैं और हर क्षण ये शरीर बूढ़ा हो रहा है और हर क्षण जो है मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो प्रलय है ना जो नित्य क्षण क्षण होती है इसको नित्य प्रलय कहती है। ये हो ही रही है, हम मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहे हैं। सेकंड प्रलय है नैमित्तिक प्रलय। ये नैमित्तिक प्रलय है जब ब्रह्मा जी के एक दिन खत्म हो जाता है ना तब होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं ना, और 14 मनु का जीवन काल जब खत्म होता है 1000 चतुर्युग के बाद ना, तब ये नैमित्तिक प्रलय होती है। तब छोटी प्रलय बोलते हैं इसको। तब सारी चीजें ब्रह्मांड जो है वो महाविष्णु के सांस से उनके अंदर चले जाते हैं और जब प्रलय खत्म होते हैं तो बाहर आ जाते हैं। छोटी प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। फिर आती है प्राकृतिक प्रलय। प्रलय ये जो प्राकृतिक प्रलय होती है ना ये बड़ी प्रलय होती है। ये तब होती है जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं और ब्रह्मा जी जो है ना वो शरीर त्याग देते हैं, ब्रह्मा जी से पोस्ट और दोबारा से नए ब्रह्मा आते हैं। तब ये प्राकृतिक प्रलय होती है और ये बड़ी प्रलय होती है, इसको महाप्रलय कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता और वो सारी की सारी सृष्टि जो है वो दोबारा होती है। फिर जब दोबारा जो है वो सृष्टि मतलब होती है, सृष्टि जब भी करनी होती है भगवान ने, सब कुछ दोबारा होता है। तो प्राकृतिक प्रलय बहुत बड़ी प्रलय होती है। और अत्यंतिक प्रलय, ये अत्यंतिक प्रलय जो है ये व्यक्ति के अंदर की प्रलय है। मतलब जब हमारे जीव का अहंकार टूटता है, क्योंकि अंदर भी बड़ा कुछ है ना, अहंकार है जो हम इस पृथ्वी पर रखे हुए हैं, तो वो अहंकार जब व्यक्ति का टूटता है ना तो उस समय व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उस समय अंदर जो उथल पुथल चलती है, जो प्रलय होती है, उसको जो प्रलय को बोल अत्यंतिक प्रलय जो है वो बताया जाता है, वो अत्यंतिक प्रलय है। इसके पश्चात देखिए सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं कथा। तो अब अंत समय आ गया है, 7 दिन बीत चुके हैं, लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट का समय चल रहा है। देखिए सामने आप स्क्रीन पे देखिए, सुदर्शन भगवान अपने मुंह से अग्नि उगल रहे हैं। तो जब महाप्रलय होनी होती है ना तो सुदर्शन भगवान अपने मुंह से अग्नि उगलते हैं, सूर्य जो है वो अग्नि बरसाता है, ताप बरसाता है और पूरा पूरा ब्रह्मांड एक गोबर का गोला बन जाता है जिसपे आग लगी हुई है। तो आप सोचो उस तरह की फीलिंग आती है। काफी समय तक ऐसे ही रहता है और उसके पश्चात पूरी की पूरी प्रलय हो जाती है। प्रलय के कई तरीके होते हैं, कई बार बारिश होती है, जल मगन हो जाती है सृष्टि, कई बार आग उगलते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं प्रलय होने के, वो अलग अलग तरह से प्रलय होती है। तो अब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी अंतिम ज्ञान दे रहे हैं, अब समय आ गया। तो सुखदेव गोस्वामी ने यही कहा है कि अब श्रीमद् भागवतम की शरण में जाइए, कल्याण अवश्य होगा। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की शरण में जाता है उसको जीवन में कोई भय जो है प्रभावित नहीं कर सकता, कोई भय नहीं होगा। परीक्षित महाराज भी अब
खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने तो मुझे ऐसा ऐसा ज्ञान दिया, मतलब तो मुझे अब कोई भय रहा ही नहीं, अब मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरी मृत्यु होगी। नहीं नहीं मृत्यु तो शरीर की होगी, मेरी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, मैं तो अमर हूं, आने दो तक्षण को, तक्षक को, मुझे कोई भय नहीं है। तो परीक्षित महाराज इतने कॉन्फिडेंट है और सुखदेव गोस्वामी वहां उनसे पूछ रहे हैं कि कुछ और पूछना है, क्योंकि जब तक सुखदेव गोस्वामी है तब तक तो तक्षक आने से रहा, तक्षक नहीं आ सकता। और सुखदेव जी तो वैराग्य की मूर्ति है, वो तो कहीं एक दो घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते, 5 मिनट से ज्यादा। ये तो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, इसलिए पहली बार वो 7 दिन यहाँ रुके हैं, नहीं तो वो रुकते नहीं है। तो पूछ रहे हैं क्योंकि जब तक, अगर परीक्षित महाराज इस समय कोई प्रश्न कर दे और सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर दे तो तक्षक नहीं आएगा, तक्षक वेट करेगा। तो कह रहे हैं कुछ पूछना है ये वो, तो नहीं। तब परीक्षित महाराज ने आज्ञा मांगी है कि मुझे आज्ञा दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। और इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो है वो अच्छी तरह से उपदेश दिया। और उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी जो है वो वहां से चले गए। सुखदेव गोस्वामी के जाते ही परीक्षित महाराज जो है वो समाधि में लीन हो गए। देखिए कहीं कहीं वर्णन आता है कि उस समय उत्तरा जी जो है वो मिलने आई थी 2 मिनट के लिए अपने पुत्र से, और फटाफट से उन्होंने बोला कि परीक्षित महाराज को बोला, माँ तो माँ ही है, देखिए माँ तो माँ ही है, तो आप क्या ज्ञान दिया सुखदेव गोस्वामी ने, मुझे जल्दी जल्दी सार बता दो, सार पूछा, क्योंकि उनको पता तक्षक आने वाला है, माँ तो माँ ही है। तो तब परीक्षित महाराज देखिए जिन जिनको मोक्ष की प्राप्ति होनी है, जिनको तक्षक नाग डसने आ रहा है, वो क्या अपनी माँ से उस समय वार्तालाप करेंगे, परम वैराग्य में है। पर माँ ने प्रश्न इतना सुंदर किया, तो परीक्षित महाराज ने श्रीमद भागवतम का भी सार जो अपनी माता को सुनाया, जिसको बृहद भागवतमृता कहते हैं, तो उसमें जो परीक्षित महाराज ने उत्तरा जी को ज्ञान दिया उसका तो वर्णन जो है वो मिलता है। तो अल्टीमेटली उत्तरा माता भी चली गई है और उसके पश्चात परीक्षित महाराज जो है वो समाधि में लीन हो गए हैं। तक्षक आया और उसने, तक्षक ने डसा, ऐसा लगा सबको कि परीक्षित महाराज को जलाया, पर परीक्षित महाराज को नहीं जलाया, उनके शरीर को जलाया, परीक्षित महाराज को पहले ही जा चुके हैं वहां से। कहते हैं कि जब तक्षक आ रहा था तब इनको कश्यप नाम के ऋषि मिले। देखिए जो कश्यप जो है देवताओं और दैत्यों के पिता, ये उन कश्यप की बात नहीं हो रही है, किसी और कश्यप की बात हो रही है। उसको लग रहा था कि उसके पास ना विष को काटने का कोई औषधि थी, तो उसको लगा मैं जाऊंगा, ये तक्षक जो है परीक्षित को मारेगा, मैं उसको जीवित कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। तो जब ये तक्षक जा रहा था तो वो भी आ रहा था यहाँ पे, कश्यप नाम के ऋषि। तो जब वो यहाँ पहुंच रहे थे, तक्षक ने देखा तो तक्षक ने तो पहले तो उसको रोक दिया और कहा क्यों जा रहे हो, मैं परीक्षित को जीवित करूंगा, धन मिलेगा। पहले तो तक्षक ने कहा कि नहीं तुम नहीं जीवित कर सकते उसको, मुझे बताओ कैसे जीवित करोगे। तब तक्षक ने पत्ते को जलाया, कश्यप जी ने उस पत्ते को फिर से हरा भरा कर दिया। अब तो तक्षक को यकीन हो गया कि ये तो परीक्षित को जीवित कर देगा, और तक्षक जो है बेसिकली बदला लेना चाहता था। जब अर्जुन ने खांडवप्रस्थ जलाया था ना, उस समय उस वन में ना, खांडव वन को जलाया था अग्निदेव के कहने पर, इंद्रप्रस्थ बनाना था ना, तब उस वन में ये तक्षक और उसकी फैमिली रहती थी, साथ में मयदानंद भी रहता था। तो मयदानंद तो भगवान की शरण में आ गया था, तक्षक उस समय वहां नहीं था, इसकी फैमिली थी और सारी की सारी मर गई थी। इसको था कि मैं अर्जुन से बदला लूं, तो ये बड़ी बार अर्जुन से बदला लेने की सोचता था, पर अर्जुन की रक्षा तो भगवान कर रहे हैं ना, अर्जुन का तो ये बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो इसको होता था कि अर्जुन को तो नहीं पर उसके पोते परीक्षित को नहीं छोड़ूंगा, तो ये ताक में रहता था, बदला लेना था इसमें, अर्जुन का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इसको लगा कि परीक्षित को तो मैंने मारना है, बदला भी है और मौका भी मिल रहा है। तो इसने कश्यप को कहा धन चाहिए, तुम मेरे से उससे भी ज्यादा धन ले ले। तो जितना धन इसको परीक्षित महाराज से मिलेगा उससे ज्यादा धन जो है वो तक्षक ने पहले ही दे दिया, और उनको रास्ते से ही विदा कर दिया, वापिस हो गए। आज तक्षक आया है, सुखदेव गोस्वामी तो है नहीं, और चाहते ही उन्होंने टसा है, अग्नि उगली है, और परीक्षित महाराज का शरीर जो है क्षण में जो है वो स्वाहा हो गया है, और सभी देवता लोग चारों तरफ हाहाकार मची है, देवता लोग फूलों को बरसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चीत्कार हुआ है ये वो परीक्षित महाराज, क्योंकि वहां पर भीड़ लगी हुई थी, ऋषि मुनि सब हैं, सब देख रहे हैं। देखिए किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि ब्राह्मण श्राप से मरे हैं, तक्षक ने डसा है, पता नहीं मुक्ति हुई कि नहीं हुई, वैसे तो मुक्त है वो, प्रश्न आ सकता है, आ सकता है। पर उसी समय सबने एक दृश्य देखा, किसी को प्रश्न आए या ना आए, उसी समय गंगा माता के, गंगा के किनारे थे ना, गंगा माता आई है, और आते ही उन्होंने परीक्षित महाराज की यहाँ पे अस्थियां सब पड़ी थी, सब अपने साथ बहा के ले गए, दृश्य सबने देखा।
तो कंफर्म कि मुक्ति ही है, तो कंफर्म भी हो गया उस समय गंगा माता है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही उन्होंने सारा कर दिया है, क्योंकि उनका शरीर भी अब श्रीमद् भागवतम सुनने से जो है पवित्र हो चुका है। वैसे ही पवित्र था उनका शरीर, देखिए गर्भ में ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान ने बचाया उनको, उनको पवित्र किया, थोड़ा बहुत अगर पाप बचा भी होगा मन में, कोई मैल बची भी होगी, तो भगवान ने जो है वो उसको पहले ही निकाल दिया था। तो इस तरह से तक्षक ने जो है वो बदला भी लिया अपना, और सुखदेव को स्वामी तो पहले ही जा चुके हैं, तब जन्मेजय परीक्षित महाराज के पुत्र को पता चला कि तक्षक ने मेरे पुत्र मेरे पिता को मारा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, तक्षक को भी नहीं छोड़ूंगा और साप सर्प जाति को भी नहीं छोड़ूंगा। तो उस समय जन्मेजय जी ने एक यज्ञ करवाया, वो सर्प यज्ञ जिसमें सारे सर्प मर जाएं, ऐसे ऐसे मंत्रों की आहुतियां दी ना उन्होंने, ऐसी ऐसी मंत्रों की कि सर्प जहां कहीं भी थे ना भी ऊपर से आने लगे, चुन चुन का उड़ के आने लगे और अग्नि में गिरने लगे, एक एक करके सारे सर्प जो है मरते गए मरते गए मरते गए। तक्षक नहीं आया, जन्मेजय जी बोल रहे हैं कि सर्प तो सारे जा रहे हैं, तक्षक कहाँ है जिसको मारने के लिए यज्ञ हो रहा है। तब पुरोहितों ने बताया कि तक्षक जो है वो इंद्र की शरण में चला गया और इंद्र उसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए तक्षक नीचे नहीं आ रहा। जब जन्मेजय को पता चला कि इंद्र जो है वो तक्षक की रक्षा कर रहा है, तो जन्मेजय जी कह रहे हैं तो करो पढ़ो मंत्र, इंद्र को भी बुलाओ और तक्षक को भी बुलाओ, दोनों को बुलाओ, दोनों मरेंगे। तब पुरोहितों ने मंत्र पढ़े हैं और तब इंद्र सहित तक्षक नीचे आ रहा है, सिंहासन हिलने लग पड़ा, नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अभी तक वो अग्नि में प्रवेश नहीं किए। तब बृहस्पति जी आए, बृहस्पति जी ने जन्मेजय जी को बोला ये तुम क्या कर रहे हो, सर्पों की जाति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अगर तुम्हारे पिता को मारा भी है तो एक तक्षक ने ही मारा ना, पूरी जाति ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और इनफ नुकसान पहुंचा चुके हो तुम। देखिए कुछ सर्प खराब थे, विषधारी थे, कुछ अच्छे भी होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो इनफ मर चुके हैं, जो बुरे सर्प थे मर चुके हैं, अब तुम इस यज्ञ को त्यागो छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता को तक्षक ने मारा है या तुम्हारे पिता ब्राह्मण श्राप से मरे हैं? भाई तुम्हारे पिता को जो गति प्राप्त हुई है ना, इसको लेने के लिए तो लोग तरसते हैं और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इस तरह से समझाया, तो सबके समझाने पर जो है वो इन्होंने सर्प यज्ञ जो है उसको बंद कर दिया, सर्प यज्ञ बंद हुआ और ये अपने महलों में फिर से चले गए और इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो आगे राज्य किया, परीक्षित महाराज का राज्य जो है वो उनको मिला, इन्होंने आगे बढ़ाया। तब उस समय देखिए सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं, सुखदेव परीक्षित संवाद समाप्त हो चुका है, पर शौनक आदि ऋषि मुनियों को सूत गोस्वामी जो प्रश्न कथा सुना रहे हैं, तब शौनक आदि ऋषि मुनि और प्रश्न कर रहे हैं। शौनक आदि ऋषि मुनि क्या प्रश्न कर रहे हैं, पुराणों के विषय में उन्होंने प्रश्न किया, वेदों के विषय में प्रश्न किया, आप ये बताइए कि कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड किया, किसको किसको दिया। तब बहुत ही ब्यूटीफुली सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कि सर्वप्रथम एक वेद था, उसको वेद व्यास जी ने चार हिस्सों में डिवाइड किया और फिर एक एक हिस्से को एक एक ऋषि को दिया, उनको रटाया, स्पेशलिटी स्पेशलिटी बोलते हैं ना, कि एक जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, कोई बच्चा फिजिक्स में कुछ कर लेता है, कोई केमिस्ट्री में कर लेता है, कोई मैथ में कर लेता है, जनरली सारी चीजें बचपन में सबने पढ़ी होती है 10th तक, और बाद में बड़े होके वो जो है एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर लेता है। इस तरह से एक एक वेद जो है वो एक एक को एक एक डिवोटी को ऋषि को रटाए गए और पुराणों को भी डिवाइड किया गया और पुराण भी दिए गए। और पुराण किसको दिए गए, देखिए आप सभी जानते हैं सूत गोस्वामी पुराणों में पारंगत है, तो पुराण जो है वो सूत गोस्वामी को मिले, तो उसी ये सब शौनक आदि ऋषि मुनि जानते हैं, तो इसलिए वो सूत गोस्वामी से बार बार पुराणों में से प्रश्न कर रहे हैं। और यहाँ 1000 साल के सत्र में सारे पुराण सुने हैं उन्होंने इन्होंने, तो आप कोई भी पुराण उठा के देख लीजिए उसमें सूत शौनक संवाद जरूर 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 मिलेगा। तो इस तरह से पुराणों के विषय में प्रश्न किया, तब बताया कि 18 मुख्य पुराण होते हैं, 18 गौण पुराण होते हैं या उप पुराण बोल सकते हैं, 18 प्रमुख और बाकी गौण उप पुराण है। और ये भी बताया कि किस तरह से इनमें इनमें कितनी श्लोक संख्या है, डिटेल में देखिए साहित्यों के बारे में डिटेल में बहुत कुछ जो है वो इन्होंने बताया, क्योंकि इनकी स्पेशलिटी है ना, तो इनको तो अंदर का सब पता था, इन्होंने प्रश्न ही ऐसा किया क्योंकि इनकी स्पेशलिटी है, तो वो चीज तो बाहर आनी ही चाहिए। तो फिर करते 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 पुराणों की बारी आई, और जब पुराणों की बारी आई ना, उस समय इन्होंने पुराणों के नाम लिए मुख्य पुराणों के। इसके अलावा श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन है, उसका वर्णन भी सूत गोस्वामी ने किया दोबारा से,
फिर पूरी की पूरी विषय वस्तु जो है उसको रिपीट किया, व्यास देव जी का धन्यवाद किया और फिर 18 पुराणों के बारे में बताया। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, पूर्ण पुराण, ब्रह्मांड पुराण। तो इस तरह से पुराणों के बारे में बताया, इनकी श्लोक संख्या के बारे में बताया। जब इस तरह से बता रहे थे तो मार्कंडेय पुराण के बारे में बात हुई। जब मार्कंडेय पुराण के विषय में बात हुई ना, तो उसी समय शौनकादि ऋषि मुनियों ने फिर प्रश्न कर दिया कि भाई मार्कंडेय जी जो है, इनके जिन्होंने ये पुराण लिखा जाए, जिनके नाम पे ये पुराण है, वो कौन है, किस तरह से उनको अमरता का वरदान मिला, कैसे कैसे उनके विषय में प्रश्न कर दिए। सुना है कि उनको भगवान की माया के भी दर्शन हुए, तो कैसे उनको भगवान की माया के दर्शन हुए, तो इस तरह से प्रश्न कर दिए। जब इस तरह से प्रश्न किए ना, तब उत्तर देना शुरू किया सूत गोस्वामी ने और बताया कि मार्कंडेय जी वैसे मार्कंडू ऋषि के पुत्र थे, अल्पायु थे, पर भगवान शिव की आराधना करने से इनको जो है वो अमरता का वरदान मिला। तो भगवान बहुत ये मतलब पूजा वगैरह करते थे, तो तपस्या करने के लिए एक बार गए, ऐसी तपस्या में लीन हुए ना कि 6 मनवंत्रों तक तपस्या करते रहे। 6 मनवंतर बीत गए, 6 मनवंतर, इतनी घोर कठिन तपस्या। जब 6 मनवंतर बीत गए तो इंद्र को लगा कि ये कहीं मेरी गद्दी ना ले लें, तो इंद्र तो इंद्र ही है, तो उसको खतरा होता है हमेशा। तब इंद्र ने कामदेव को भेजा, इंद्र और कर भी क्या सकता है, अप्सराएं कामदेव इन सबको भेजता है। अप्सराएं और कामदेव पहुंची मार्कंडेय ऋषि के पास, उन्होंने तो मतलब और ऐसे ही भगा दिया सबको, कुछ बिगाड़ नहीं पाई, अल्टीमेटली पराजय हो गई। और उसके पश्चात मार्कंडेय ऋषि फिर भी ध्यान में लीन रहे, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तब इनको नर नारायण ऋषि के दर्शन हुए और नर नारायण ऋषि ने प्रकट होकर इनको वरदान मांगने के लिए कहा, भक्ति आज सफल हुई। तब इन्होंने कहा कि मुझे ना भगवान की माया के दर्शन करने हैं, माया के दर्शन करने हैं, माया के, तो देखिए कुछ और भी मांग सकते थे पर अभी इनको माया दर्शन करने, ठीक है प्रभु ने कहा माया के दर्शन कर लो। तब ये चले गए नर नारायण ऋषि। तब एक दिन क्या हुआ कि अपने ही आश्रम में बैठे हुए ये तपस्या कर रहे थे, भगवान के धाम ध्यान में लीन थे मार्कंडेय जी, तभी आंधी चलना शुरू हो गई, तूफान आना शुरू हो गया, बारिश होनी शुरू हो गई, भयंकर बारिश, भयंकर तूफान। बारिश हुई तो पर वो रुकी नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी, बुरे हालात, अल्टीमेटली प्रलय हो गई, चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल। कितना ही समय जल में मगन रहे, मतलब जल है चारों तरफ, सब कुछ नष्ट हो गया, प्रलय प्रलय हो गई है, पर मार्कंडेय जी जीवित है, अमर तो है, ये अकेले जीवित है और उस जल में ही है। आप व्यक्ति देखो चारों तरफ कुछ ना हो, जल ही जल हो, और आप जल में ही तैरते जा रहे हो, मर नहीं रहे हो, तो आपका शरीर थकेगा भी, झुलसेगा भी, मतलब गलेगा भी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, भूख प्यास में भी जल में ही है, क्या करेंगे। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ा ही समय बीत गया। तभी इन्होंने सामने एक बरगद का पेड़ देखा, कुछ तो दिखा, एटलीस्ट बरगद का पेड़ दिखा। उसके बाद एक मतलब वहां पर एक पत्ता था, उस पत्ते पर इन्होंने एक शिशु को लेटे देखा। शिशु को लेटे जब इन्होंने पत्ते पर देखा तो नजर पड़ी, शिशु कहाँ से आया इस प्रलय इतने जल में, ये शिशु कहाँ से आया, देखा शिशु बड़ा सुंदर, बेसिकली वो भगवान ही है, और तो कोई नहीं हो सकता, भगवान है ना। शिशु बहुत सुंदर, और जब शिशु इतना सुंदर तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं शिशु के पास ही जाऊं और उससे पूछूं। तो ये शिशु के पास गए, उसको देख ही रहे हैं, पूछते हैं कुछ, पर पूछेंगे तो बाद में ना, इतने में शिशु ने ले ली सांस, और जब शिशु ने सांस ली तो ये सांस के माध्यम से उस शिशु के अंदर ही प्रवेश कर गए। उस शिशु के अंदर जब ये प्रवेश किए ना, तो उसके बाद इनको उस शिशु के अंदर सब चीजों के दर्शन हुए, सब चीजों के, जिसमें इन्होंने ब्रह्मांड भी देख लिया, सब देख लिया, अपने आप को भी देख लिया, अपने महल में बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ ए टू जेड देख लिया। अभी इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, इतने में शिशु ने सांस छोड़ दी, और जब शिशु ने सांस छोड़ी तो ये बाहर आ गए। क्या देखा इन्होंने कि शिशु जो है वो पत्ते पर लेटा तो है और साथ साथ अपने पांव का अंगूठा चूस रहा है,
तो अब ये देख ही रही हैं, इतने में इनका सपना टूटा कि होश आई, तो क्या देखते हैं कि सारा कुछ वैसे का वैसा और अपने आश्रम में बैठ के ये ध्यान में लीन है, देख रहे हैं। तो फिर इनको समझ में आई कि भगवान की माया के दर्शन करना चाहते थे ना, तो आज माया के दर्शन किए, ना कोई प्रलय ना कुछ, तो अल्टीमेटली भगवान के माया के दर्शन करना चाहते थे, कर लिए दर्शन, समझ आ गई। आप फिर से ध्यान मगन बैठे हैं, आप भी ध्यान मगन बैठे हैं, तपस्या तो करते ही थे, 6 मनवंतरों तक तपस्या किया, अभ्यास कितना होगा। तब इतने में भगवान शिव जी और पार्वती माता जो है आकाश मार्ग से गए, और जब वो जा रहे हैं तो पार्वती माता ने इनको देखा और कहा कि इनके पास चलते हैं भगवान शिव को। तब भगवान शिव जो है इनके पास आए, पार्वती माता और भगवान शिव इनके पास आ तो गए, अब वो इनसे बात करने का प्रयत्न करेंगे, पर ये तो ऐसे ध्यान मगन है, सुनता रहे हैं, इनको ना किसी की आवाज सुनाई दे रही है ना कुछ। तब शिव जी ने एक तरीका अपनाया इनसे बात करने का, क्या किया कि ये ध्यान में थे ना, तो शिव जी इनके ध्यान में प्रवेश कर गए, और जब शिव जी इनके ध्यान में प्रवेश कर गए तो इनको पता चला कि कोई आया है, तब वार्तालाप हुई। तब शिव जी ने बोला कि वरदान मांग लो, कुछ नहीं मांग रहे थे, कुछ नहीं चाहिए, पहले भी कुछ नहीं मांगा था, अल्टीमेटली बड़ा बोला तो भक्ति दे दो, और भक्ति कम है क्या इनके पास, 6 मनवंतरों तक तपस्या किए, उसके बाद भी तपस्या कर रहे हैं, तो भक्ति ही चाहिए। तो इनकी निष्कामता को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, अमरता भी दी, ज्ञान भी दिया, जो भी होता है उसके बाद तो जो आप सोच सकते हो ना, तो कोई मांग सकता है कुछ, वो सारा कुछ दिया, सब कुछ मार्कंडेय ऋषि को प्राप्त हो गया, तो इस तरह से वरदान प्राप्त हुआ। तो मार्कंडेय ऋषि के विषय में प्रश्न किया शौनक आदि ऋषि मुनि ने, सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, अल्टीमेटली व्यास देव जी के बारे में बताया किस तरह से उन्होंने भागवतम का संकलन किया, नारद जी ने आके उनको बताया, नारद जी ने उनकी बुद्धि में सब डाला, वो सब बताया, और उसके पश्चात लास्ट में, लास्ट के 2 श्लोकों में भगवान को प्रणाम ही किया है, भवे भवे यथा भक्ति पादे तब जायते तथा कुरुष्व देवेश नास्तवम नो यथा प्रभु नाम संकीर्तनम यत्से सर्व पाप पर नाशनम प्रणामो दुक्षम नह तम नमामि हरिम परम। भागवतम जी के लास्ट 2 श्लोक इसमें भगवान को प्रणाम किया गया है, बोलते हैं ये बहुत ऑस्पिशियस होता है, इन 2 श्लोकों का पाठ करने से, लास्ट दिन कथा श्रवण करने से पूरी की पूरी भागवतम को श्रवण करने का जो है वो फल मिलता है, और अल्टीमेटली लास्ट में भी सूत गोस्वामी शुकदेव गोस्वामी जो है भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और याद कीजिए वो प्रथम दिन जिस दिन श्रीमद् भागवतम का आरंभ हुआ था, तो सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम ही किया गया था, श्री कृष्णाय वयम नुमा, तो भगवान के प्रणाम के साथ ही ये स्टार्ट हुई, और भगवान के प्रणाम करने के साथ ही भागवतम का समापन हुआ, कहने को समापन हुआ है, पर ये इतना विशाल है, इतना विशाल ज्ञान है, लीलाओं का, कथाओं का रस भरा है कि जितना मर्जी इसको पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। और जो भी हम लोग भगवान की लीला कथाओं के बारे में सुनते हैं वो सब कुछ जो है वो भागवतम में से ही सुनते हैं, ये एक रहस्य है जो धीरे 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 जो है पर्दे हटाता है, अनफोल्ड होती है मिस्ट्रीज। तो हमें इस कथा का श्रवण जो है वो करते ही रहना है, करते ही रहना है नित्य और निरंतर, ये रिकमेंडेड है। तो बोलिए शीला व्यास देव जी महाराज की जय, शुकदेव गोस्वामी की जय, दीक्षित महाराज की जय, चौनक ऋषि सूत गोस्वामी की जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि हरि बोल एवरीवन, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आज चलते हैं भजन की तरफ, हमारे साथ मनिका जी हैं, मनिका जी हमें जो है ब्यूटीफुल भजन जो है वो सुनाएंगी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, आज की आनंद की जय, भागवतम सप्ताह यज्ञ की जय, कोटि कोटि प्रणाम राधा कृष्णा जी को उनके श्री चरणों में, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमने भागवतम का सप्ताह यज्ञ किया, सुना प्रीति जी के श्रीमुख से। प्रीति जी आपको कोटि कोटि नमन, बहुत प्यारे ढंग से आपने हम सबको ये भागवतम की रहस्यमय कथाओं का श्रवण करवाया, हमें बहुत आनंद आया। थैंक्स टू द होल टीम ऑफ गोलोक एक्सप्रेस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक भजन शेयर करना चाहती हूँ, भगवान श्री
हरि के श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखूं दिखे ओ, जिधर भी देखूं दिखे युगल छवि श्याम तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखूं दिखे युगल छवि श्याम तिहारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी, युगल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधा रानी, युगल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। मैं तो बस चाकर तेरा हो, मैं तो बस चाकर तेरा, चाकरी लागे प्यारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। पांव में बांध के घुंघरू हाथ कड़ता ले लिए है, नयन में छवि बसा के तुम्हीं को याद किया है। पांव में बांध के घुंघरू हाथ कड़ता ले लिया है, नयन में छवि बसा के तुम्हें को याद किया है। नाचो कीर्तन में तेरे ओ, नाचो कीर्तन में तेरे, नाचे यू मीरा प्यारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, जिधर भी देखूं दिखे ओ, जिधर भी देखूं दिखे युगल छवि श्याम तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बताओ कब मिलोगे हमसे गिरवरधारी, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। बताओ कब मिलोगे हमसे गिरवरधारी, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। बिता देंगे हम जीवन ओ, बिता देंगे हम जीवन लेके एक आस तिहारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। दूर अब तुमसे रहना नहीं मंजूर है हमको, पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुनो ए प्यारे तुमको। दूर अब तुमसे
मंजूर है मुझको पास तुम्हें आना पड़ेगा। सुनो ए प्यारे तुमको नंद दिलदार दिलों पे हो, नंद दिलदार दिलों पे लगी बस छाप तिहारी आपके श्री चरणों में। उम्र कट जाए सारी आपके श्री चरणों में, उम्र कट जाए सारी जिधर भी देखूं दिखे ओ, जिधर भी देखूं दिखे युगल शवि श्याम तिहारी आपके श्री चरणों में। उम्र कट जाए सारी आपके श्री चरणों में, उम्र कट जाए सारी आपके श्री चरणों में, उम्र कट जाए सारी। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, आज के आनंद की जय। हरी बोल। थैंक यू मनिका जी, एंड सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। गोलोक एक्सप्रेस के पहले श्रीमद भागवतम सप्ताह यज्ञ की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री व्यास देव की जय। सुखदेव गोस्वामी जी की जय। परीक्षित महाराज जी की जय। सोनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी जी की जय। मैत्री मुनि और विदुर जी की जय। संसार के ब्रह्मांड के सारे महान कृष्ण भक्तों की जय। हमारी प्रीति भाभी जी की जय। कंग्रेचुलेशंस एंड प्रीति भाभी के लिए बिग 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 एप्रिसिएशन, बिकॉज जो उनके माध्यम से हो पाया है ये अपने आप में चमत्कार है। कैसे टोटल बैकअप था राधा रानी का, भगवान श्री कृष्ण का, सुखदेव गोस्वामी का, व्यास देव जी का, सभी महात्माओं का। अपने आप में एक बहुत ही यूनिक भगवत सप्ताह यज्ञ हो पाया, कंक्लूड हो पाया। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो पॉडकास्ट के थ्रू हमें सुन रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू सुन रहे हैं, आप सबके आप भी आभार। आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें देते हो, इसीलिए भगवत कृपा हम सब पे बरस रही है और हम इस तरह के नए नए इनिशिएटिव आपके सामने ले ला पा रहे हैं। जरूर कमेंट सेक्शन में हमसे कम्युनिकेट कीजिए, हमें बताते रहा कीजिए कि आपको ये नया इनिशिएटिव कैसा लगा। गोलोक एक्सप्रेस की हिस्ट्री में पहली बार श्रीमद भागवतम का सप्ताह यज्ञ करवाया गया और ये अपने आप में बहुत यूनिक था, जैसे आप जानते हैं कि अदरवाइज फिजिकली इट्स नॉट ईजी टू डू, और होता भी है तो मैक्सिमम लोग जा नहीं पाते और वो लंबा होता है। इसमें जो टाइमिंग्स भी कम रखी गई थी बिकॉज मैक्सिमम लोग कलयुग में उतनी पेशेंस नहीं रख पाते। तो आप सबके प्यार ब्लेसिंग जो आप हमें देते रहते हैं उसके लिए आप सबको भी शत शत नमन। और हमारी जो टेक्निकल टीम है जो लाइव स्टूडियो मैनेज करते हैं, दीपिका जी, भवनेश जी, डिवाइन कपल है हमारे, पूजा जी, पंकज जी डिवाइन कपल है, उनको भी बिग थैंक यू। काजल जी को बिग थैंक यू। नीलम सिंह जी राजस्थान से, श्रेया जी, जितने भी डिवोटीज मैनेज कर रहे हैं ये पीपीटीज वगैरह बनाने में, इसको बड़ा एक प्रोफेशनल तरह से हुआ है कि एक मॉडर्न और ऑफकोर्स एक वैदिक ग्रंथ है, उसको मॉडर्न स्टाइल से सेमिनार की तरह प्रेजेंटेशन में जो टेक टीम ने हेल्प किया उनका भी बहुत बहुत आभार मैं चाहूंगा। प्रीति जी आप हमारे साथ स्क्रीन में रहें और क्यों ना सब लोग प्रीति जी के लिए जोर से
तो आई थिंक सभी ने नोटिस किया होगा, सारे गोलोक एक्सप्रेस परिवार की ब्लेसिंग से और भगवत कृपा विशेष हो रही थी और प्रीति जी के चेहरे पे पूरा सुखदेव गोस्वामी और महात्मा वाला नूर आ गया था और डिवाइन नॉलेज की जो फायरिंग हुई है लास्ट 7-8 डेज में, उसके लिए जोर से हरी तो प्रीति भाभी थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड दैट आप मेरे भाभी हैं और भगवान की विशेष कृपा है और ऐसी हम पे बनी रहे, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह भी हो, सिस्टर की तरह भी हो, भाभी भी हो, तो थैंक यू सो मच। ये चुना आपको भगवान ने इस प्यारी सेवा के लिए और पूरे गोलोक एक्सप्रेस ने आनंद उठाया उसके लिए हम कोई वर्ड्स नहीं है टू से अ बिग थैंक यू। नितिन जी आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी अर्धांगिनी को? हरी हरी बोल, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी प्राउड प्रीति जी को ये सेवा मिली एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक लॉर्ड श्री कृष्णा राधा रानी और सभी महान संतों की विशेष कृपा रही है आई थिंक प्रीति जी पे और ऑन गोलोक एक्सप्रेस कि इस तरह से ये सप्ताह यज्ञ जो है उसको सेलिब्रेट किया गया, काफी मजा आया। और मैं कहता हूं कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी इस तरह से फायरी राउंड में भागवत गीता श्रीमद् भागवतम को पहली बार सुना है एंड इनके मुख से सुनने के बाद इनके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट और बढ़ी है और मैं इनको एक अलग नजरिए से भी देख और समझ पा रहा हूँ बिकॉज इतनी इंटेंस तरह से इन्होंने मेहनत की और उसके बाद आप जानते ही हैं सब लोग किस तरह से डिलीवरी भगवान की कृपा से इनके माध्यम से हुई है, तो विशेष कृपा है एंड आई मस्ट थैंक हर कि वो इस तरह से अब मेहनत भी करती हैं और सेवा भाव से वो लगी भी रहती हैं। एंड आई मस्ट ऑल्सो थैंक यू क्योंकि ये सारे जो आइडियाज आते हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो हमेशा भगवान की कृपा से आपके माध्यम से आते हैं, तो आपका सपोर्ट रहता है, आपकी डायरेक्शन रहती है, तो हम सब लोग ये मिलजुल के कर भी पाते हैं। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक टू द एंटायर टेक टीम, अगर सब लोग स्क्रीन पे आए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मस्ट बी फॉर देम बिकॉज टेक्नोलॉजी का जैसे आपने पहले भी मेंशन किया कि टेक्नोलॉजी को जिस तरह से इन्होंने यूज किया और पीपीटी स्पेशली जिस तरह से बन के सामने आई उसमें दीपिका जी, भवनेश जी, काजल जी और पूजा जी, पंकज जी और इनफैक्ट एंटायर टेक टीम जो है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, नीलम जी, श्रेया जी और स्पेशली मैं कहूंगा दीपिका जी को एक स्पेशल थैंक्स बिकॉज ये पीपीटीज जो आप देख पा रहे थे उसकी डिजाइनिंग, उसको उस तरह से प्रिपेयर करना, फोटोज को किस तरह से अलाइन करना, ये सब टेक टीम ने मिलके किया है, तो बहुत 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 शुभकामनाएं और धन्यवाद, जोरदार तालियां। हमारी टेक टीम के लिए दीपिका जी, भवनीश जी, पूजा जी, पंकज जी, काजल जी, नीलम जी, श्रेया जी, सभी के लिए जोर से हरे कृष्णा। कंग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम, हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। एंड प्रीति जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑफकोर्स आपका स्पेशल डे है, दिस इज बीन लाइक भगवान की कृपा से जो हो पाया है ये पहली बार हो रहा है इतिहास में आपके माध्यम से हो पाया है, तो बिग थैंक यू टू यू, कुछ कहना चाहोगे आप सबको? हरी हरी बोल। सच बोलूं तो मेरे पास अभी कुछ वर्ड्स नहीं है कहने को और आप मुझे ये भी लग रहा है कि सब लोग मुझे बहुत सुन चुके हैं अब तो सबसे पहले तो मैं राधा रानी का, भगवान जी का धन्यवाद करना चाहूंगी और फिर गोलोक एक्सप्रेस टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी, आपका नितिन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, सबके साथ के साथ टेक टीम का धन्यवाद करना चाहूंगी और सबके साथ के साथ ही ये सब चीजें जो है वो हो पाई हैं और बस प्रेयर्स करूंगी कि भगवान जो है वो इस तरह के मौके भी देते रहे और आप सभी डिवोटीज का साथ मिलता रहे। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि डिवोटीज जो मतलब जो एप्रिसिएशन मिलती है उससे भी काफी मोटिवेशन मिलती है
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सच बोलूं मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आप कुछ बोलने के लिए, बस तहे दिल से सबका धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रीति भाभी वंस अगेन। हां जी बोलिए आप। एक स्पेशल थैंक्स और एक स्पेशल हरे कृष्णा सभी व्यूअर्स के लिए, बिकॉज जितना वक्ता इम्पोर्टेंट है उतना ही श्रोता इम्पोर्टेंट है, और ये इवेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता बिना श्रोताओं के। तो हमारे जितने भी चैनल पे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस कथा का आनंद लिया है या आने वाले समय में लेंगे, उनके लिए भी एक जोरदार हरे कृष्णा। थैंक यू टू ऑल आवर ब्यूटीफुल लिसनर्स, ऑल द वंडरफुल डिवोटीज जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, थैंक यू सो मच। और एक ही बात है, हम सब में किसी में भी योग्यता नहीं है, और जो ये हो पा रहा है सब कुछ भगवान की कृपा शक्ति के साक्षात दर्शन है और कुछ नहीं है। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही जीवनी पर, मेरा जीवन, हम सबका जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आप, केवल और केवल तो क्यों ना इतना स्पेशल डे है आज प्रीति जी, क्यों ना हम एंड में एक शंख भी सुने और दोबारा से श्रीमद् भागवतम की आरती होनी चाहिए एक बार। सप्ताह यज्ञ की शुरुआत में भी हुई थी, और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का जो डायरेक्टली अब कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ही है, क्यों ना उनका गुणगान करके हम समापन की ओर जाएं। और व्यूअर्स को मैं बता देता हूं, अब हम नेक्स्ट टू सेशंस में की लर्निंग्स, प्रमुख शिक्षाएं लेके आएंगे इस सप्ताह यज्ञ की, नितिन जी और हम दोनों मिलके, मैं विनम्र प्रयास करने वाले हैं कि ये 7 डेज में की टेक अवेज क्या ले सकते हैं। चलते हैं हम तृष्णिका जी के पास। तृष्णिका जी, आपका शंखनाद ना हो और आपके भी श्रीमुख से हम आरती अंश ना सुने तो हमारे सबका दिन कंप्लीट नहीं होता। हरी हरी बोल, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करिणी, ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये
मधुर बोल ये जगबंद खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल ये जगबंद खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। एक बार जोर से श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आई थिंक सत्संग कंप्लीट नहीं हो सकता है, डिवोटी ने इतने स्पेशल एफर्ट्स किए हैं प्रीति जी के साथ मिलके, तो क्यों ना दीपिका जी को भी कुछ टाइम दिया जाए। दीपिका जी बिग थैंक यू। पहले सारी टेक टीम नॉट जस्ट फॉर दिस इवेंट, जैसे भी आप लोग लगे रहते हो, इतनी मेहनत करते हो, और जो आप सब व्यूअर्स एक्सपीरियंस करते हैं कि गोलक एक्सप्रेस लाइव सत्संग में इतना सब कुछ मैनेज हो रहा होता है पीछे से, तो उनके लिए हमारी टैग टीम को भी शत-शत नमन। दीपिका जी थैंक यू सो मच, यू आर बीइंग वंडरफुल डिवोटी। आप और भवनेश जी रिलेंटलेसली चले रहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री हरि का धन्यवाद देना चाहूंगी जो इतना अमृत रस हमें ये 7 दिन में मिला है। बहुत बहुत आभार श्री हरि का, श्री कृष्णा जी का, और साथ ही साथ हमारी प्यारी सी प्रीति जी का, जिनके मुखारविंद से जो मतलब भागवतम का जो हमने रस पिया है, बहुत बहुत आनंदमय, बहुत आनंदमय। और उसके साथ साथ आभार देना चाहूंगी भाभी आपको भी कि आपने मुझे सेवा के लिए चुना, और जैसे जैसे आप गाइड करते रहे और मैं ये पीपीटीज बनाने की, स्लाइड्स और फ्लो चार्ट्स बनाने की ये सेवा को भी कर पाई। और इसके इससे मुझे अनुभव हुआ जो जो ये इतना हायर लेवल का जो ग्रंथ है, जब हम कुछ वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, आपको तो बहुत प्यारा कंठस्थ है ये सारा ग्रंथ, लेकिन हम सीमित बुद्धि वालों के लिए ये जो शब्द है प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है। जब मैंने उन शब्दों को टाइप किया या पीपीटीज बनाने में जब उनको मैंने यूज किया और पढ़ा, तो बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। और उससे लगा कि जब आपकी लर्निंग है वो भी तीव्र होती है, फास्ट होती है, और आपको समझ में भी आता है। पूरी ऐसे कड़ी जैसे 7 दिन से जो चली आ रही है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जैसे आप बोलते हो ना कि हमें आम की गुठली से नहीं और आम के जो रस है उसका स्वादन करना चाहिए, तो इस रस को हमने बहुत प्यार से चखा है। तहे दिल से आभार आपका, बहुत प्यार और बहुत प्यारी प्यारी ये सेवा भी देने के लिए, और बहुत प्यारा ये भागवतम ग्रंथ का पाठ हमें कराने के लिए। थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया आपको भी बहुत बहुत आभार। Thank you so much. हरी हरि बोल। मैं भी दीपिका जी आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। देखिए एक मन में भाव आया और लगा कि फ्लो चार्ट होने चाहिए, इस तरह से इसको करना चाहिए, तो उसी समय ऑडियो डाला दीपिका जी को, और उस समय एक मीटिंग हुई और दीपिका जी ने कहा बिल्कुल बन सकते हैं। तो मतलब कितना डिवाइन है ये सच में भगवान जी का कोई अरेंजमेंट था कि मन में भाव आया और बोला, और उसी समय 1.5 आवर में 2 स्लाइड्स तैयार हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप भेजते जाए हम लोग बनाएंगे। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। शुरू में थोड़ा कम, और आपने थर्ड सत्संग से देखा होगा, थर्ड डे से, कि वो बढ़ गया, और करते 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 आज उसको एग्जीक्यूशन पे पहुंचा है। सच में ये बहुत ही डिवाइन है आइडियाज और उसको एग्जीक्यूट करना। दीपिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी फैमिली का, दीपिका जी, भवनेश जी, बच्चों का भी, सबने मिलकर आपने समय लगाया, सबने आपका साथ दिया पीछे से, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान भगवान का धन्यवाद, भगवान हमें सेवा के लिए चूज करते हैं, किसी को माध्यम बनाते हैं, पर कृपा तो भगवान सब पर ही करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल भाभी जी, हरी हरी बोल। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये मेरा भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस ही है। दिसंबर मंथ में मैंने एक डिजायर की थी कि एक सत्संग भागवतम का ऐसे ऑनलाइन होना चाहिए, तो जब आपका ऑडियो आया तो मुझे लगा कि शायद मेरी डिजायर पूरी हो रही है, तो थैंक यू वेरी मच आपने ये हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सब डिजायर भगवान भाग रहे हैं ना, आपके भावों को भगवान ने ग्रहण कर लिया। भाभी जब हम भगवत गीता का ग्रंथ खोलकर हम लोग अध्ययन करने का कोशिश करते हैं तो हमारे मन में डिजायर है, इनफैक्ट इन्हीं के मन में डिजायर है कि इसके पॉइंटर्स होने चाहिए ताकि हम लोग उसको रिवाइज कर सके, पूरा हम बार बार नहीं पढ़ सकते, इसके पॉइंटर्स होने चाहिए, और भगवत कृपा से वो पॉइंटर्स अब धीरे धीरे बन रहे हैं और बहुत बहुत आनंद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार जितने भी डिवोटीज हमारे साथ स्टूडियो में है वो स्क्रीन पे आ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हमारे सारे गोलोकियंस को शत शत नमन आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वादों के लिए, आप सबके प्यार आशीर्वाद के लिए, के बिना हम सब कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम सप्ताह यज्ञ की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। व्यास देव की जय। सुखदेव गोस्वामी की जय। महाराज की जय। सूत गोस्वामी सोनक आदि ऋषियों की जय। विदुर जी और मैत्रेय मुनि जी की भी जय। ब्रह्मांड के सारे कृष्ण भक्तों की जय। राज के आनंद की जय। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. Golak Express में आइए, दुख दर्द भूल जाइए. ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए. न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर. हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर. हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को